हे गाइस, मिस्टर सैंड्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सोल्डरिंग आयरन स्टैंड बनाकर दिखाने वाला हूं। और गाइस, इस सोल्डरिंग आयरन को है जो मैंने घर पे बनाया है, और इस सोल्डरिंग आयरन मैंने वो सभी चीज़ लगाए हैं जो कि सोल्डरिंग आयरन में लगा होता है। और गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कम प्राइस में और घर की चीज़ों से जो है बन के रेडी हो गया है। आप जो है इसको इजिली घर पे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इसी को बनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है इसको इजिली घर पे बना सकें। चलिए इसको हम लोग बनाना अब जो है स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसको बनाने के लिए हमें एक प्लाईवुड की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी हैवी प्लाईवुड लेकर आ गया हूँ। एक छोटा सा पीस ये आपको कबाड़े में से मिल जाएगा, जहाँ पे जो फर्नीचर का काम वगैरह होता है वहाँ पे इजली आपको ये सब दे देंगे फ्री में। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो लंबाई है ऑलमोस्ट 29 सेंटीमीटर है, एंड इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा में जो है हम लोग का स्टेशन बनके रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को अपने कंपोनेंट को फंसाने के लिए एक स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो स्टैंड बनाने के लिए गाइस मैं यूज करने वाला हूँ बाइसिकल स्पोक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का बाइसिकल स्पोक मैं लेके आ गया हूँ। ये जो बाइसिकल स्पोक है काफ़ी हैवी बाइसिकल स्पोक है, और सब बाइसिकल स्पोक आती हैं तो काफ़ी पतली आती हैं। यहाँ पे अब मैं दोनों में डिफरेंस आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है काफ़ी हैवी है, ये जो है काफ़ी पतला है। तो आपको जब भी यूज़ करना हैवी वाला बाइसिकल स्पोक यूज़ करना है ताकि ये जो है मुड़े ना, नहीं तो जो पतला वाला बाइसिकल स्पोक रहेगा तो वो मुड़ जाएगा। अब इन दोनों स्पोक को यहाँ पे हम लोग को कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको दो होल करके इसको इसमें परमानेंट जो है फिक्स कर देना है ताकि ये जो है हिले ना। तो पहले मैं यहाँ पे होल करके इसको फिक्स कर लेता हूँ। गाइस, यहाँ पे जो पीछे का ये मुड़ा वाला पार्ट है इसको मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है ताकि इधर से अगर हम लोग उसको घुमाएं तो ना घूमे, तो इसलिए आपको ऐसा जरूर करना है। उसके बाद इसको पहले हम लोग सुपर ग्लू से अच्छी तरह से इसी पर चिपका लेते हैं। इसमें अच्छी तरह से जो है सुपर ग्लू भर देते हैं। उसके बाद हॉट ग्लू से इसको ऊपर से पैक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से जो है इसमें सुपर ग्लू भर दिया हूँ। अब इसके ऊपर जो है हम लोग हॉट ग्लू अच्छी तरह से भर देंगे। तो मैं यहाँ पर हॉट ग्लू भर के भी आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा टाइम है सुपर ग्लू जो है सूख जाए, उसके बाद हॉट ग्लू भरते हैं। यहाँ पे जो है अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इसको जो है हमको अपने साइड में मोड़ना है। तो यहाँ पे ऊपर से हम लोग कुछ ऊंचाई पे जितना आपको जरूरत पड़े उतना पर आप मोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का एक मार्क लगा लिया हूँ और उसी पर से जो है मैं इस प्रकार से इसको जो है मोड़ देता हूँ। देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से मैंने मोड़ा है। मैंने दोनों पे जो है 13-13 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है पहले से ही। आप इसको अच्छी तरह से जो है मोड़ सकते हैं। तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको मोड़ दिया है। उसको आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको इसको झुकाना है उतना आप झुका के इसको मोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसके सामने का जो डिस्टेंस है इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है रख सकते हैं कि आपको कितना आगे तक रखना है। तो मैं जो है मैं 3-4 सेंटीमीटर आगे रखूँगा ताकि जो हम लोग का कंपोनेंट है मदरबोर्ड वगैरह है इसके अंदर इजिली आ जाए। तो मैं यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ से मेजरमेंट करता हूँ। तो यहाँ से मैं गाइस मैं यहाँ पर जो है 8 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस रखने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 सेंटीमीटर का एक मार्क लगा लेता हूँ। मार्क लगाने के बाद गाइस अब यहीं पे जो इसको हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद गाइस हमको इस प्रकार का दो चिमटी की जरूरत पड़ने वाली है। ये आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा। इसी दो का हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग यहाँ से इसका जो प्लास्टिक पीवीसी का कवर है इसको हम लोग निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो आप देखते हो एकदम ये जो है साफ़ हो चुका है।
अब इसको गाइस जो है हमको यहाँ पे लगाना है, तो लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देंगे, या फिर इस प्रकार से भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो जो है मैं इस प्रकार से सोल्डरिंग इस पे करने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे जो है दोनों को इस पे लगा के अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना है। उससे पहले गाइस ये जो है दिख रहा है लोहा, तो ये जो अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर हम लोग जो है हीट सिंक चढ़ा के इसको पहले पैक कर देते हैं, देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो मैं पहले आपको वो करके दिखा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर हीट सिंक लगा दिया है। अब जो हम लोग का ए वाला चिमटी है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको यहाँ पे लगा देते हैं, अगर आ जाता है तो यहाँ पे इजली आ गया गाइस। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको जो है यहीं पे हम लोग सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको जो है हमको इसमें लगा के प्लायर की मदद से इसको यहीं पर फिक्स कर देना है। तो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। अब गाइस इसमें जो है सोल्डरिंग करने में हमें आसानी होगी। तो दोनों को जो है मैं इसी प्रकार से लगा के सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको सोल्डरिंग करते हुए दिखा दे रहा हूँ। आपको कोई सा भी सोल्डरिंग यूज़ करना है, सोल्डरिंग इजली जो हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दोनों पे। गाइस यहाँ पे जो है मैंने सोल्डरिंग कर दिया है और जो है अच्छी तरह से मजबूती के साथ यहाँ पे चिपक चुका है। यहाँ पे जो हम लोग का प्लास्टिक का इसका कवर था उसको भी मैंने लगा दिया है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे सोल्डर स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए गाइस मैं बाइसिकल स्पोक का ही यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस ये जो बाइसिकल स्पोक है काफ़ी हार्ड होता है, तो इसको मैं एक और दो जगह से मोड़ने वाला हूँ। आप इसकी जगह स्प्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो है काफ़ी सस्ते में 1 रुपये 2 रुपये का मिल जाएगा। स्प्रिंग जो है आपको 15 से 20 रुपये मिलेगा। तो आपको घर के इस चीज़ों से बनाना है तो इस प्रकार से आप बिजली जो है बना सकते हैं। तो इसका मैं राउंड शेप बनाने वाला हूँ, 1 या 2 जगह, तो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने स्प्रिंग का राउंड शेप बना लिया है। एक ऊपर बनाया है मैंने, एक नीचे बनाया है। इसको जो है मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ और इसमें जो है हम लोग का सोल्डर काफ़ी तरह से जो है आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लगा दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इजली जो इसके अंदर आ जा रहा है, आप तुरंत इसके अंदर रख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसी को जो है मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहीं पे चलिए इसको हम लोग पहले परमानेंट इसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इसको मैंने परमानेंट इस पर फिक्स कर दिया है। अब जो हम लोग का सोल्डर है इसके अंदर काफी अच्छी तरह से बैठ जा रहा है, आप देख सकते हो। अब गाइस इसमें हम लोग को जो हम लोग का सोल्डर आयरन है इस पर आप देख सकते हो यहाँ पे इसके जो टिप पे जो है कार्बन इस प्रकार से लग गया है। तो इसको भी साफ करना बहुत जरूरी है, बिना इसको साफ के हम लोग सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसको साफ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस इसको साफ करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रबर्स लेकर आ गया हूँ। गाइस ये जो है आपको पता होगा, ये जो हम लोग के घर में जो बर्तन वगैरह है उसको धोने का काम आता है स्क्रबर्स। ये जो आपको 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा। इसको जो है इस पर हम लोग को इसको इस प्रकार से लगाना पड़ता है, तो जो है इजली हम लोग के सारे टिप को जो है साफ कर देता है। तो इसको हम लोग को लगाना है, तो इसको हम लोग को एक जगह इस पर रखना पड़ेगा। तो पहले इसका एक कवर बनाना पड़ेगा। तो गाइस कवर जो है हम लोग पीवीसी शीट का नहीं बना सकते हैं या फिर प्लास्टिक इसका नहीं बना सकते हैं, क्योंकि शोल्डर उस पर टच होगा तो जो है ख़राब हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप किसी भी मेटल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लोहा हो या फिर टीना हो, टीन हो या फिर कुछ भी। यहाँ पे मेरे पास एक एल्युमिनियम का था, तो ये जो है बल्ब का मैंने मेरे पास ख़राब पड़ा था, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। इसको जो है इसके अंदर हम लोग इस प्रकार से भर देंगे। उसके बाद गाइस इसको जो है हमको यहीं पे चिपका देना है। तो मैं यहाँ पे हॉट ग्लू से इसको जो है यहीं पे अच्छी तरह से जो है चिपका देने वाला हूँ। यहाँ से हम लोग सोल्डर आयरन निकालेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसको जो है हम लोग साफ कर लेंगे। इसको भी जो है अंदर साइड में मैं बांध दूंगा कि बाहर न कबरे। तो इस प्रकार से जो इसमें रख के हम लोग ऐसे ऐसे साफ करके अपना यहाँ पे सोल्डरिंग जो है कर लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से यहीं पे हॉट ग्लू से मैं चिपका देता हूँ पहले। अब गाइस यहाँ पे हमको एक फ़ैन लगाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम लोग यहाँ पे सोल्डरिंग करें तो उसका जो धुआं है वो बाहर खींच लें। तो वो जो सोल्डरिंग का धुआं होता है सीधे मुंह पे आता है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक एग्जास्ट फैन यूज़ करने वाला हूँ। इसमें ये आपको इजली जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। ये 12 वोल्ट का मैं फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ, ये जो काफ़ी अच्छा है स्मोक को खींचने के लिए। इस फैन को जो है हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इस प्रकार से। तो गाइस इस प्रकार से हम इस फैन को पूरे एकदम 90 डिग्री पर नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि गाइस ऐसे लगाएंगे तो जो है बगल से हवा खींचेगा, हमको यहाँ से ऊपर का हवा खींचना है। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे, ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा और झुका देंगे।
तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम लोग यहीं पे सुपर ग्लू से या फिर हॉट ग्लू से चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीवीसी पाइप का गुट्टा कट कर लिया है, इसको जो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जो है हॉट ग्लू में चिपका देने वाला हूँ, इसी पे परमानेंट जो है फिक्स हो जाएगा। मैं आपको चिपका कर दिखा रहा हूँ। फाइनली गाइस यहाँ पे जो है बनके रेडी हो चुका है, सभी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस फैन को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इस फैन को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट लगा दिया है, एंड इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे मैं स्विच भी लगा दिया हूँ। इसमें इस स्विच से जो है हम लोग इसको इजिली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने पहले ही लगा दिया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने एक जो है बाइसिकल स्पोक का टुकड़ा लगा दिया है। इसको मैंने इसलिए लगाया है ताकि जो हम लोग का सोलर आयरन का जो रंगा होता है इसको हम लोग यहाँ पे इजिली फंसा सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको घुमा के निकाल सकते हैं, इसको बाहर यहीं पे सोल्डिंग आयरन रखेंगे, यहीं से जो है अपना इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है मैंने जो सोल्डिंग पेस्ट होता है उसको मैंने यहीं पर लगा दिया है। अब यहीं से जो सोल्डिंग पेस्ट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं मैंने इस पर लगा दिया है। अब मैं आपको इस फैन को जो है चला कर दिखा दे रहा हूँ। गाइस यहाँ पे जो है मैंने एक डीसी सॉकेट ले लिया है, इसमें जो है 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इस प्रकार से। अब ये जो स्विच है इसको जैसे हम लोग ऑन करेंगे जो ये फैन है स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से जो है हवा को लेगा और यहाँ से जो हवा देगा, काफ़ी मस्त ठंडा ठंडा हवा जो है यहाँ से दे रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग चला सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। अब गाइस इसमें जो है अपना सोल्डिंग आयरन रख के मैं आपको यहाँ पे जो सोल्डिंग करके दिखा दे रहा हूँ। गाइस यहाँ पे जो है मैंने कुछ पीसीबी ले लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसमें इस कंपोनेंट जो है निकाल कर दिखा दे रहा हूँ और इसमें सोल्डिंग करके भी दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले जो है ये पीसीबियाँ हैं, इसको जो है हमको यहाँ पे इस प्रकार से, अगर आपका सिंगल छोटा है तो आप एक में फंसा सकते हैं, अगर आपका बड़ा पीसीबी है तो आप दोनों में इस प्रकार से जो है इजली इसको यहाँ पे इस प्रकार से फंसा सकते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह जो है फंस चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अपना सोल्डिंग आयरन लेंगे। सबसे पहले इसके बिट को हम लोग साफ करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम लोग को अपने बिट को साफ कर लेना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साफ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो है चमक गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो हम लोग का रंगा है, आप जो भी इसको बोलते हो, इसको जो है हम लोग इस प्रकार से इस पर लगा लेंगे। एंड यहाँ पे जो पेस्ट है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पेस्ट का भी यूज़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले गाइस सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा पेस्ट हम लोग को निकाल लेना है। जहाँ पे हम लोग जो कंपोनेंट रिमूव करना है वहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। तो जो है मैं इस कंपोनेंट को रिमूव करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद गाइस इस फैन को पहले मैं ऑन करके आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस फैन को पहले हम लोग ऑन कर देते हैं। एंड गाइस ये देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से हवा को जो है खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले अगर हम ऊपर इसको इस प्रकार जलाते हैं तो देख सकते हो इसमें से स्मोक जो है निकल रहा है, आपको इजिली दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है स्मोक। अब गाइस अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसके सामने अगर इसको जलाता हूँ तो आप देखते हो सारे के सारे जो स्मोक है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको इजिली दिख रहा होगा कैमरे में। अब गाइस ये जो फैन है सारे के सारे स्मोक को अपने अंदर जो है खींच ले रहा है। तो जो है आपके जितने भी फेस पे जो धुआं वगैरह इसका आ रहा था वो नहीं आएगा। चलिए अब मैं आपको जो है इसका पीसीबी रिमूव करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एक पेस्ट लगा दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब इस सोल्डरिंग आयरन को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे, काफ़ी अच्छी तरह जो है तुरंत जो हम लोग का कंपोनेंट है वो बाहर निकल जाएगा। और मैं कंपोनेंट आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, तो इसको भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने से ये होता है कि तुरंत जो है हम लोग का सोलर आयरन इस पर वर्क करने लगता है। तो मैं यहाँ पे जो है पेस्ट लगा लेता हूँ। और ये जो पेस्ट है आपको 10 रुपये का केवल मार्केट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा मिलेगा, आपको परचेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जो है इस पर ले लेते हैं रंगा को। एंड यहाँ से अब जो है इसको भी हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। अब इस पर आप किसी भी चीज़ को सोल्डरिंग भी इजिली जो है कर सकते हैं, यहाँ पे इजिली फंसा के। यहाँ पे अपना स्टैंड रख के अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे इजिली जो शूट भी कर सकते हैं ऊपर की साइड से। एंड जितने भी स्मोक है यहाँ से आप देख सकते हो अंदर साइड में खींचते हुए जा रहा है, इसलिए मैंने फैन को जो है थोड़ा सा ऊपर लगाया था ताकि जो है ऊपर का भी स्मोक जो है इजिली अंदर साइड में ले सके। तो इस प्रकार से जो है आप पीसीबी में से जो है सारे कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। अब अपने सोलर आयरन को यहाँ पे इस प्रकार से फंसा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको छोटा पीसीबी का भी जो कंपोनेंट निकाल कर दिखा दे रहा हूँ सिंगल में। तो यहाँ पे मैंने सिंगल पे लगा दिया है। अब थोड़ा सा जो है पेस्ट इसके ऊपर मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे जो है इसको भी मैं रिमूव करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इजिली जो है इसके अंदर से रिमूव हो गया है और जो फैन है सारे स्मोक को जो है अपने अंदर देखते तो आप लोग खींच रहा है यहाँ पे। और जब इसको बिट को साफ करना है तो यहाँ पे फिर से हम लोग इस प्रकार से जो है बिट को साफ कर देंगे। देख सकते हो लोग चमक गया बिट हम लोग का। सो गाइस ये जो सोल्डरिंग स्टेशन है, ये जो सोल्डरिंग स्टैंड है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।